गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग लाइफ इंश्योरेंस। और सिंस हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, इंश्योरेंस, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एंड वी हैव कंप्लीटेड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। एंड इन टुडेज क्लास वी आर कंटिन्यूइंग द लाइफ इंश्योरेंस। सिंस लाइफ इट्सेल्फ इज अनसर्टेन, कि लाइफ जो है वो अनसर्टेन होती है, ऑल इंडिविजुअल्स ट्राई टू अश्योर themselves of a certain sum of money in the future to take care of unforeseen event or happenings। ये कहना चाह रहे हैं कि जो individuals हैं वो assure करना चाहते हैं कि अगर future में कुछ unforeseen event जो कि हो सकती है तो उससे एक sum of money मिल जाए। individual in the course of their life are also always exposed to some kind of risk, कि इंडिविजुअल की ज़िंदगी में भी कई तरह की रिस्क होती है, किसी बीमारी से डेथ होने की, कोई एक्सीडेंट में डिसेबल होने की, डेथ हो जाने की। सो इनसे बचने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। द रिस्क मे बी ऑफ एन इवेंट विच इज़ सर्टेन दैट इज़ दैट, और एक इवेंट हो सकती है हमारी लाइफ में, डेथ वगैरह की है। इन दैट केस वॉट विल हैपन टू द अदर मेम्बर ऑफ द फैमिली हु आर डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम, बाकी लोगों का क्या होगा जिनकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम है। द अदर रिस्क मे बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच एन इंडिविजुअल मे बिकम टू ओल्ड टू अर्न दैट इज रिटायरमेंट। और एक सीधी सी बात हम ये भी कहते हैं कि चलो अगर लाइफ रही तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी एज हो चुकी है, अगर हम रिटायर हो चुके हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा। इन दिस केस ऑल्सो द अर्निंग्स विल डिक्लाइन और एंड, हमारी जो अर्निंग्स है या तो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अंडर सच सर्कमस्टांसिस इंडिविजुअल सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क। और इसके अलावा हम कहना चाहेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम दीज रिस्क, तो इनसे बचने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। बट ग्रेजुअली इस स्कोप एज वाइंडेड एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल टू सूट अप द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल लाइफ की डेथ से जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें इसमें मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, एन्यूटी इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल यही डिस्कस करेंगे, ये जितने भी टॉपिक हमने लिए हैं ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक एज यू कैन सी चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन पेज नंबर 96, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो लाइफ तक ही रहता है, ठीक है, बट जनरल इंश्योरेंस इज क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। मरीन इंश्योरेंस विच इज रिलेटेड टू सी, ओशियन पैरल्स ऑफ द सी एंड शिप्स एंड फायर इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस में बर्गलरी इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, अमृत शिक्षा योजना, राजयश्री महिला कल्याण बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा योजना आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये सब हमारे अदर इंश्योरेंस का पार्ट माने जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ सर्टेन प्रीमियम इधर इन लमसम और बाय अदर पीरियोडिक पेमेंट एग्री टू पे टू द अश्योर्ड और टू पर्सन टू हुम द बेनिफिट ऑफ पॉलिसी इज टेकन। कि लाइफ इंश्योरेंस को हम ऐसे समझते हैं कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले या तो पूरा पेमेंट लमसम में या फिर किस्तों में, जैसे कि आपने तय किया है उसी की, या पॉलिसी में जो बेनिफिट देने की बात की गई है उस हिसाब से जब आपको पेमेंट करेगा उसी को हम कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस। द अश्योर्ड सम ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट कंटिंजेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, कि ये जो पेमेंट है ये लाइफ जब तक चल रही है या तब तक तो कंटिंजेंट रहेगा, मतलब कोई हैपनिंग होने या नहीं होने का, और एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, या जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो तब आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। डज इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू इंश्योर द लाइफ ऑफ अ पर्सन इन एक्सचेंज फॉर अ सम ऑफ मनी दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम प्रॉमिस करती है प्रीमियम के बदले। द प्रीमियम मे बी पेड
इन लमसम और पीरियोडिकली, दैट इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली. आप चाहें तो पूरी जिंदगी का एक साथ प्रीमियम पे कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप मंथली भी पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेसिस पर प्रीमियम दे सकते हैं. एट द सेम टाइम द कंपनी प्रोमिसेज टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईदर ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन और हिज अटेनिंग अ सर्टेन एज. और इसी टाइम कंपनी ये भी प्रॉमिस करती है कि सपोज आपकी 60 ईयर्स तक की अगर एज में डेथ होती है तो वी विल कॉम्पनसेट योर फैमिली मेम्बर्स या जो नॉमिनी है उसे पेमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको पेमेंट दे दिया जाएगा अगर आप उस एज को अटेन कर लेते हैं. दस द पर्सन इज श्योर दैट अ स्पेसिफाइड अमाउंट विल बी गिवन टू हिम व्हेन ही अटेन्स अ सर्टेन एज और दिस और दैट इज हिज डिपेंडेंट्स विल गेट दैट सम इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ. कि भाई आप अश्योर है, कन्फर्म है, गारंटी है कि आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा. कब मिलेगा? बोला सर या तो हमारी एज हो जाए फिक्स, या हमारे अगर डेथ हो जाती है किसी की तो उस हमारी जो डिपेंडेंट्स होंगे उन्हें वो अमाउंट दे दिया जाए. दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इज पुट इन राइटिंग एंड सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द पॉलिसी. ये जो भी शर्तें हैं प्रीमियम देने की, कितना पैसा आपको कॉम्पनसेशन के तौर पर मिलेगा, कितने टाइम तक प्रीमियम देना है, किस एज के बाद पेमेंट मिलेगा, कितने कैसे मिलेगा, लमसम मिलेगा, एक साथ मिलेगा या इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, पेंशन के तौर पर मिलेगा, ये सब कुछ जिसमें लिखा जाता है उसी को हम कहते हैं पॉलिसी. द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड द अश्योर्ड. अब सबसे बड़ी बात, जिसकी लाइफ सिक्योर की जा रही है उसे हम कहेंगे अश्योर्ड. द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर एंड द कंसिडरेशन पेड बाय द अश्योर्ड इज द प्रीमियम. द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियडिकली इन इंस्टॉलमेंट. अगर आप लोग वर्ड देखें तो यहाँ वर्ड इंश्योर्ड नहीं है, अश्योर्ड है कि पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियडिकली इन इंस्टॉलमेंट. ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं कि जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो पीरियडिकली पेमेंट किया जा सकता है. दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फैमिली एट द प्रीमैच्योर डेथ और गिव्स एडिक्वेट अमाउंट एट ओल्ड एज व्हेन अर्निंग्स कैपेसिटीज आर रिड्यूस्ड. कि दोनों ऑप्शन हैं कि डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को एडवांस पेमेंट मिल जाए, मतलब उसी वक्त पेमेंट मिल जाएगा प्रीमैच्योर डेथ में, और अगर आपकी एज पूरी आप एज अटेन कर लेते हैं, डेथ नहीं होती है तो वो अमाउंट आपको मिल जाएगा. और सीधी सी बात है, अगर एज हो जाती है तो रिटायरमेंट वगैरह हो जाता है तो आपको दिक्कत आती है अर्निंग्स वगैरह में, तो वहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी. द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज अ सर्टेन सम इज रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड. कहना चाह रहे हैं कि साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, इसे हम क्या कहेंगे, इंश्योरेंस जो है ये प्रोटेक्शन नहीं है, इट इज सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे इन्वेस्टमेंट का है. क्यों? बिकॉज अ सर्टेन सम इज रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड. कि पेमेंट तो मिलना है साहब, कन्फर्म मिलेगा, एज हो जाती है तब भी मिलेगा, और बीच में अगर प्रीमैच्योर डेथ हो जाती है तब भी मिलेगा. दैट मीन दैट्स वाई वी कॉल्ड इज एज इन्वेस्टमेंट. Life insurance also encourages saving as the amount of premium has to be paid regularly. हमने कहा था कि मैंने आपका क्वेश्चन आया था कि सर कितने टाइम की होती है, मैंने कहा था डिपेंडेंट होती है पॉलिसी कितने टाइम के लिए ली है. जब तक आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तब तक आपको प्रीमियम देना होगा. दैट मीन्स इससे इंसान्स में, इसमें ह्यूमंस में जो सेविंग्स की आदत होती है वो बढ़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो उनकी जो प्रोटेक्शन मिल रही है उन्हें रेगुलर बेसिस पर वो भी लैप्स हो जाएगी. इट दस प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड एंड हिज डिपेंडेंट. एक सिक्योरिटी रहती है. वैसे तो देखो हम ये मानते हैं कि इंसान की जगह कोई पैसा ले नहीं सकता, इंसान ही होता है, लेकिन स्टेबल होने के लिए फैमिली को अपनी सर्वाइवल के लिए एक टेंशन नहीं होती है कुछ टाइम के लिए. द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो विथ अ फ्यू एक्सेप्शन. कि जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस के लिए हैं वही लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी अप्लाई होंगे, केवल एक दो अगर हम इंडेमनिटी को छोड़ दें तो. ठीक है, हमने
सबरोगेशन की बात की थी वो भी थोड़ा अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बचाना ही बचाना चाहता है। ठीक है, इज इट क्लियर? द मेन एलिमेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कि लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ये है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सब जो एलिमेंट होने चाहिए वो सब कुछ होंगे, जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। क्या है ये चीज़ें? एक्चुअल में क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, कब? जब आप लोग हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो क्या है एक्चुअल में क्या है कि फ्री कंसेंट का मतलब बिना किसी दबाव के आपने एक्सेप्टेंस दी हो, आप माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, डिस्क्वालिफाइड लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें भी इसमें बताई गई है। कंसिडरेशन होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल चीज़ें होती है वो यहाँ पर होनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पर बेस्ड ज़्यादा होता है। द अश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को आप सही और ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन देंगे। ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट अबाउट हिज हेल्थ टू द इंश्योरर। कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पुरानी बीमारी रही हो तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। इट इज़ हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम इवन इफ द इंश्योरेंस डजंट आस्क हिम। ये उसकी जिम्मेदारी है कि चाहे पूछे और चाहे नहीं पूछे वो खुद से बताएगा उन चीज़ों के बारे में। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ अश्योर। आप इंश्योरेंस तभी ले सकते हैं जब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा, मतलब या तो आपके खुद की लाइफ हो, या आपकी किसी फैमिली मेंबर की लाइफ हो, या आपका उससे कोई रिलेशन हो, तभी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, ऐसे आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ व्हेन द इंश्योरेंस इज अफेक्टेड। दोनों टाइम होना चाहिए आपका जो रिलेशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अश्योर्ड शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू हैव इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। अ क्रेडिटर हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज डेटर एंड अ प्रोप्राइटर ऑफ अ ड्रामा कंपनी हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द एक्टर। मैंने कहा ना कि आपका एम्प्लॉई आपके लिए जो काम कर रहा है उनके साथ आपका रिलेशन है, तो आप उनकी लाइफ का इंश्योरेंस ले सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान होने के चांसेस हैं। अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइफ में एक फैक्ट है डेथ, जो कि सर्टेन है, होनी ही होनी है। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड एंड ओनली अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी स्पेंड। कि किसी भी ह्यूमन लाइफ को आप केवल मनी से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं। That is why the amount is payable in life insurance on the happening of event is fixed in advance. और इसीलिए कहा गया है कि जो इंश्योरेंस है वो किसी इवेंट के होने पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो है वो इवेंट पहले से एडवांस में फिक्स्ड है कि डेथ होगी एक ना एक दिन। द सम ऑफ मनी पेबल इज फिक्स्ड, अमाउंट जो मिलेगा वो भी फिक्स है, इवेंट का होना भी फिक्स है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस देयर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो आज की क्लास में हमने इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है हमारे पास सेकेंड जो आता है इसी का जो पार्ट है, वो कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस की कौन कौन सी पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस की जो रिलेटेड पॉलिसीज है इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि देखो इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, पोस्टल सर्विसेज है और वेयर हाउस सर्विसेज है। हमारे इस चैप्टर में ये कुछ सर्विसेज शामिल की गई है जिसको हम वन बाय वन क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।